हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चरर्स में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर कैसा आया था 2018-19 में। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू हैं बीएससी या फिर बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, तो उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम्स में पेपर आते हैं, क्या होता है, और यूनिट बाई यूनिट कैसे क्वेश्चन आते हैं ये दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है अपना बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2018-19 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स तो तीनों में होते हैं, बीए चाहे बीएससी चाहे बीकॉम हो, ठीक है। तो पेपर सेकेंड यानी इंग्लिश लैंग्वेज का। फाउंडेशन कोर्स में तीन सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर में, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, और थर्ड होता है एक पर्यावरण होता है, ठीक है। ये तीन पेपर होते हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो क्वेश्चन सेक्शन ए रहेगा इसमें, ऑब्जेक्ट और टाइप क्वेश्चन, जो कि पांच दिए रहे होंगे, एक ऑब्जेक्ट एक नंबर का होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट गिव्स कलर टू द ट्विंग्स इन द पोयम ट्री। इसमें से अपन को ये चारों में से ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे, मतलब पांच हैं, ठीक है। तो पांचों में से आप लोगों को चूज करना होगा। अब सेक्शन बी पर आते हैं, ये सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दो क्वेश्चन है ढाई ढाई नंबर के हैं, ठीक है। शो द डिफरेंट क्वालिटीज इन द नैरेटर्स फादर्स एंड मदर्स मदर इन द पोयम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अथवा में आया था, व्हाट ऑस्किनोव सेज इन रिस्पॉन्स टू हिज वाइफ एंड व्हाट डज द दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। थर्ड में आया था, थर्ड क्वेश्चन आया था, यूज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेजेस इन टू योर आउन सेंटेंस एनी थ्री। ओपन बुक, साइलेंस इज गोल्डन, थर्ड है टर्न आ डिफीट ईयर, फोर्थ है क्रोकोडिल टीयर्स, फिफ्थ है ड्रॉप इन द ओकीन। ये था अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी में अपन के दो क्वेश्चन आए ढाई ढाई नंबर के। अब आते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में आएंगे अपन की पाँचों यूनिट से आएंगे क्वेश्चन, चार चार नंबर के होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना यूनिट फर्स्ट से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, जस्टिफाइज द टाइटल ऑफ द स्टोरी ईद का। अथवा मैं एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ गॉडनेस सोन बाय द पोस्ट मास्टर, ठीक है। ये अपना यूनिट फर्स्ट से। अब आते हैं यूनिट सेकेंड से आया है क्वेश्चन, मेज द, ये अपना यूनिट सेकेंड से, ठीक है। मेज द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। अथवा में आया था, फाइंड आउट द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यह आया था यूनिट सेकेंड से अथवा में, ठीक है, मतलब जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। फर्स्ट है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, सेकेंड है सी वियर्स डार्क ग्लासेस, थर्ड है यूनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ, फोर्थ है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। क्वेश्चन सिक्स, जो कि यूनिट थर्ड से आया था, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन माई बेस्ट फ्रेंड पर, ठीक है। और इसके अथवा में आया था यूनिट थर्ड से, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू ₹5,000 फॉर परचेसिंग बुक्स वेन यू आर स्टडिंग हॉस्टल। और यह आया था अपना यूनिट फोर्थ से, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश, गीता में सभी धर्मों का सार मिलता है, सेकेंड शहीद भगत सिंह गरम दल के सदस्य थे, थर्ड में आज मुझे तुम्हारे साथ बाजार जाना है, फोर्थ आया था ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। ये आया था यूनिट फोर्थ से, और इसके अथवा से आया था, यूनिट फोर्थ से अथवा आया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू हिंदी, हिज चिल्ड्रन डू नॉट ऑबे हिम, ही इज वेरी पंक्चुअल इन हिज जॉब, थर्ड सागर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ स्मार्ट सिटी, फोर्थ आया था द स्टेटस ऑफ यूनिटी इज द हाइएस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड। यह था यूनिट फोर्थ से। अब आए हैं क्वेश्चन एट्थ में, जो कि यूनिट फाइव से लिया गया, व्हाट इज सी वी इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल, ड्राफ्ट आ सी वी फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन अ बिजनेस फर्म। यह था यूनिट फिफ्थ से ये क्वेश्चन, ठीक है। ये था अपना पेपर, जो कि बीए सेकेंड ईयर का है, फाउंडेशन कोर्स का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि ये जो बच्चे फर्स्ट में हैं, फर्स्ट ईयर में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।